प्यारे भक्तों, राधा अष्टमी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव का दिन है। राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के आठवें दिन आती है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ देवी राधा की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी के अवसर पर पूरे देश में भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष पूजा और प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव मथुरा, वृंदावन और बरसाना में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले जागते हैं और देवी राधा की पूजा करते हैं। कुछ भक्त व्रत भी रखते हैं। राधा जी और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की जाती है। देवी राधा की मूर्ति को स्नान कराकर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। मूर्ति को नए आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इस दिन राधा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गोस्वामी समुदाय के लोग इस दिन को राधा वल्लभ मंदिर में मनाते हैं। आइए राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर राधा रानी की महिमा का गुणगान करते हैं। बोलिए जय श्री राधे। राधा रानी के चरणों में शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। राधा अष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राधा रानी के चरणों में शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। राधा अष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जब आए, राधा अष्टमी नाम से मनाई जाए। भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, दया से राधा रानी की मन वांछित फल मिलते हैं। दुल्हन की तरह मंदिर सभी सजाए जाते हैं, सजाए जाते हैं। राधा अष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बरसाना मथुरा वृंदावन में उत्सव भारी, कान्हा संग सजाई जाती वृषभानु की दुलारी। कृष्ण राधा नाम के जयकारे लगते हैं, राधे कृष्णा भक्त करते हैं। भक्ति रस में इस दिन सब डूब ही जाते हैं, जाते हैं। राधा अष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। एक बार नारद जी कैलाश पर जाए, देवों के देव महादेव से पूछने लग जाए। श्री
लक्ष्मी बतलाए, देव कन्या मुनि कन्या या वेद कन्या कहलाए। या है कोई अंतरंग विद्या हम जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। राधाष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा मिट जाए सब तृष्णा, बोलो राधे कृष्णा मिट जाए सब तृष्णा। श्री राधा के रूप का क्या मैं करूं बखान, समर्थ नहीं मैं इतना बोले तब शंकर भगवान। नारद कहने लगे जन्म का महात्म ने बताए, सभी व्रतों में श्रेष्ठ क्यों है ये व्रत बतलाए। राधाष्टमी के विषय में जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। राधाष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा मिट जाए सब तृष्णा, बोलो राधे कृष्णा मिट जाए सब तृष्णा। जी बोले वृषभानुपुरी के राजा महान, धर्म परायण दयावान वो वृषभानु था नाम। अच्छे कुल में पैदा हुए शास्त्रों के जानकार, आठों सिद्धियों से सुशोभित धनी थे और उदार। श्री कृष्ण के परम भक्त थे ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं। राधाष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा मिट जाए सब तृष्णा, बोलो राधे कृष्णा मिट जाए सब तृष्णा। वृषभानु की पत्नी जिनका श्री कीर्ति था नाम, गुणवती वा रूपवती वो लक्ष्मी के समान। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जब आए, मध्यान काल में राधिका रानी पैदा हो जाए। पाके विलक्षण कन्या को वो तो हर
सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। कृष्ण जी कथा रूप बनाए, देवी लक्ष्मी राधा रानी के तब रूप में आए। कृष्ण वल्लभा राधा रानी तभी तो है कहलाए। कृष्ण पूजा राधा के बिन पूरी ना हो पाए। राधा नाम जपने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। श्री राधा के जन्म स्थली बरसाना कहलाए। राधा कुंड में कोई भी स्नान न कर पाए। राधा अष्टमी लेकिन भक्तों जब भी है आए। भक्त पवित्र कुंड में डुबकी जरूर लगाए। सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। राधाष्टमी का दिन तो खुशी का है अवसर। व्रत ये माना जाता है सब व्रतों से बढ़कर। राधाष्टमी व्रत का जो पालन करे मन से, समृद्धि मिल जाती है, दुख मिट जाए जीवन से। बाधाएं सब हटती, मोक्ष को पा जाते हैं, को पाते हैं। राधाष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। दुर्विकार उस जन के भक्तों सारे मिट जाए। राधा नाम जो भी मन से जपता है जाए। मार्ग आध्यात्मिक भी भक्तों उसका खुल जाए। परमानंद की अनुभूति भी उसको मिल जाए। राधे राधे जप लो, कृष्ण कृपा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। राधाष्टमी व्रत की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा।
बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। कृष्ण से मेल कराती है राधा रानी, भव भय बंधन सारे दूर हटाए राधा रानी, मुरली मनोहर के मन को भाए राधा रानी, बैकुंठ का रास्ता भी दिखलाए राधा रानी। राधे कृष्ण जपने वाले परम पद पाते हैं, की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। राधाष्टमी की सब भक्तों को शुभकामनाएं, श्रद्धा और भक्ति से ये शुभ दिन सभी मनाएं। मीनाक्षी कुंड राधे कृष्णा नाम को जपती है, इनकी भक्ति से ही उसको शक्ति मिलती है। हर मुश्किल में राधे कृष्णा साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। राधाष्टमी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा। बोलो राधे कृष्णा, मिट जाए सब तृष्णा।